अभी मैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, द्वारका और सोमनाथ। तो पहले हम लोग द्वारका जाएंगे, उसके बाद सोमनाथ। तो द्वारका की ट्रेन हमने मुंबई सेंट्रल से ली। और ये देखिए हमारी ट्रेन सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो स्टेशन पर आ गई है। हम स्टेशन पर एक घंटा पहले ही पहुंच गए थे। हमारी रात की 9 o'clock की यानी 9 बजे की ट्रेन थी। और ये ट्रेन है जो नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे हमें द्वारका पहुंचाएगी। तो चलिए आपके साथ ये ट्रेन की जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑलमोस्ट ट्रेन्स में बेडिंग फैसिलिटीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप अपना बेड सीट और पिलो कैरी कीजिएगा, जैसे कि इस ट्रेन में भी ये फैसिलिटी अभी नहीं थी। द्वारका पहुंच गए हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम थी। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे द्वारका जाना है और फाइनली हम यहाँ पे हैं। और ये है द्वारका का स्टेशन। द्वारका का स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। और फिर ये देखिए, ये हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और यहाँ से हम ऑटो लेंगे। होटल की बुकिंग हमारी पहले से ही थी, तो यहाँ से हम लोग ऑटो से अभी हम जाएंगे होटल। और होटल का भी वीडियो आपको मैं आगे इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुंबई से लेके द्वारका तक का ट्रेन का जर्नी दिखाई। अभी मैं द्वारका पहुंच चुकी हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि द्वारका में मैं किस होटल में ठहरी हूं, उसका भी व्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूं। ये मेरे पीछे जो आप जो होटल देख रहे हैं, उसी होटल में मैं ठहरी हुई हूं और उस होटल का नाम है लॉर्ड्स इको इन। तो चलिए इस होटल के अंदर का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस होटल का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल समुद्र के सामने है, मतलब सी व्यू है। इस होटल से आपको सी व्यू देखने को मिलेगी। तो देखिए, जैसे ये देखिए, ये मेरे पीछे जो बीच देख रहे हैं बिल्कुल इस होटल के सामने ही है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस होटल में ठहर के। अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो आप इस होटल में आप ठहर सकते हैं। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप प्लीज़ वहां जाकर आप चेक कर लेना। तो चलिए मैं आपके साथ आपके होटल के अंदर का व्यू शेयर करती हूँ। देखिए, ये है, ये हमारा होटल है और इस होटल के ठीक सामने है जो समुद्र है, मतलब कि आपको इस होटल से सी व्यू देखने को मिलेगी, जो इस होटल का प्राइवेट बीच ही है। मतलब कि इस होटल से आप यहाँ से, जैसे इस होटल से आप इधर से निकलेंगे तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ सी व्यू देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
आई होप आपको ये खूबसूरत बीच बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको होटल के अंदर का व्यू शेयर करती हूँ कि होटल वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर ये भी दिखाऊंगी, यहाँ पर ब्रेकफास्ट और डिनर भी हम लोग के लिए इंक्लूड था, तो आपको वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पर है। एवरी डे यहाँ पर चेंज होते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
आपका ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।